हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और नवनियुक्त निगम कमिश्नर ने गुरुग्राम नगर निगम का कार्यभार संभालते ही एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। दरअसल नगर निगम गुरुग्राम में भ्रष्टाचार को लेकर शिकायतों का अंबार लगातार बढ़ता ही जा रहा था, जिस पर निगम कमिश्नर विनय प्रताप ने संज्ञान लेते हुए जल्द ही नगर निगम में चीफ विजिलेंस अधिकारी की नियुक्ति करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया। वहीं शहर की बेहाल सफाई व्यवस्था को लेकर भी निगम कमिश्नर ने संज्ञान लेते हुए स्वच्छता को लेकर संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। साथ ही तमाम अधिकारियों को यह हिदायत भी जारी की है कि इस बार के सर्वेक्षण में गुरुग्राम की रैंकिंग में सुधार लाने के लिए गंभीरता से काम करने के आदेश जारी किए गए हैं। देखिए, नगर निगम में यहाँ कार्यभार संभालने के बाद आज हमारे पार्षदगण और सभी अधिकारियों की आज बैठक बुलाई गई। शहर के जो विशेष मुद्दे हैं उन पर चर्चा की गई और पार्षदों ने भी अपने जो जो वार्ड्स हैं उनकी समस्याएं हैं उसको अधिकारियों के सामने रखा है। आज क्योंकि एक पहली अनौपचारिक बैठक थी सदन के सभी निर्वाचित पार्षदों के साथ, जिसमें मेयर साहिबा और हमारे सीनियर डिप्टी मेयर एंड डिप्टी मेयर भी उपस्थित थे, तो उसमें जो विशेष शहर के मुद्दे हैं उनको आज डिस्कस किया गया और उसके बाद में अब इसको हम अधिकारियों के साथ टेकअप करके वार्ड वाइज इन मुद्दों को सुलझाने का कार्य करेंगे। राज्य सरकार की भी ये मंशा है कि इस तरह के करप्शन संबंधित जहां भी शिकायतें हैं उसको सख्ताई से लिया जाए। इसी ओर कदम उठाते हुए एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर अर्बन लोकल बॉडीज के स्तर पर भी नियुक्त किया जाएगा और इसी तरह की कार्रवाई हम एक नगर निगम में इंटरनल एक चीफ विजिलेंस ऑफिसर के रूप में रखेंगे।